तो कुछ टाइम पहले है मैंने लाइव स्ट्रीम सेटअप के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें तुम लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किया कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, मैं अपने स्मार्टफोन की हेल्प से कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज करके फेसबुक, यूट्यूब या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल और लैग फ्री लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने फेवरेट गेम्स का, लाइक पबजी, बीज माई, फ्री फायर, कॉल्स ऑफ ड्यूटी। एंड तुम अपने लाइव स्ट्रीम में ओवरले, ऑन स्क्रीन चार्ट, कमिंग सून एंड अलर्ट मैसेजेस कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारा कुछ बात करेंगे। और कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि तुम अपने लाइव स्ट्रीम में यूज करके अपने लाइव स्ट्रीम को एक प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम बना सकते हो। तो अपने स्मार्टफोन से लाइव करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास होना चाहिए स्मार्टफोन, जिसमें सिंपल से तुम गेम प्ले करोगे। एंड सेकंड, अपने स्मार्टफोन में तुमको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है ये वाला प्रिज्म लाइव स्टूडियो, जो कि तुमको प्ले स्टोर पर बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सिंपल से जाओ, डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद इसको साइन अप करके एंड सारी परमिशंस को अलाउ कर देना। तो जैसे तुम सारी परमिशंस को अलाउ कर दोगे तो तुम कुछ इस टाइप के पेज पे आ जाओगे जहाँ पे तुमको दो ऑप्शन मिलेगा, एक पोर्ट्रेट एंड एक लैंडस्केप। ये डिपेंड करता है तुम कौन सा गेम खेलने वाले हो। तो यहाँ पे मैं बीजीएमआई पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो मैं लैंडस्केप पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब यार यहाँ पे अगर तुमको कोई भी ओवरले ऐड नहीं करना, कोई भी अलर्ट मैसेज ऐड नहीं करना, तो जो डिफॉल्ट आता है तुम उसी पे रहने देना, ये पहले से सेट होकर आएगा। बट यहाँ पे हमको ओवरले ऐड करना है एंड अलर्ट मैसेज को भी ऐड करना है, और ऑन स्क्रीन चार्ट तुमको मिलता ही है। तो सबसे पहले यार हमको क्या करना है, स्क्रीन को इसके सही पोजीशन पे लेकर आना है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, एंड साइज में भी एकदम परफेक्ट है। बस मेरे को इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है क्योंकि नीचे के साइड में ओवरले ऐड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन मैंने सही से सेट कर दिया है। अब ओवरले ऐड करने के लिए मेरे को चले जाना है प्लस आइकन पे, एंड प्लस पे जाने के बाद अगेन यहाँ पे हमको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इमेज पे चले जाना है। और यहाँ पे गाइज मैंने क्रोम से एक ओवरले डाउनलोड किया था तो मैं उसका यूज़ करूँगा। अगर तुमने अपना बना रखा है तो उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे जैसे हमारा ओवरले आ चुका है, अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, एंड अब ये स्क्रीन हमारा ऊपर को आ चुका है। तो मैं सिंपल से वापस से जाऊंगा, सेकंड नंबर पर तुमको लेयर का ऑप्शन मिलेगा तो इसको सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे जो हमारा इमेज है इसको बस यहाँ से पकड़ के नीचे को कर देना। अब हमारा स्क्रीन एंड हमारा जो ऑन स्क्रीन चार्ट है वो ऊपर को आ जाएगा। अब यार हमको ऑन स्क्रीन चार्ट को सेट करना है, लाइक यार ये हाफ स्क्रीन पे चल रहा है। अब इसके साइज को चेंज करने के लिए तुमको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड जहाँ पे भी तुमको ऑन स्क्रीन चार्ट को रखना है वहाँ पे रख दो। और यहाँ पे नीचे की साइड एक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो ये तुम इसकी साइज को सही से कर सकते हो। जितना अगर तुमको फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन कर दो, हाफ स्क्रीन चाहिए तो उसको अपने अकॉर्डिंग तुम सेट कर सकते हो। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ अपने हिसाब से, तो ये मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो मेरे को यहाँ पे ऐड करना अलर्ट मैसेज बॉक्स, जिसके लिए तुमको इस पेज पे चले आना है जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो जैसे तुम लिंक पे क्लिक करोगे तुम इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। मैंने अपने लैपटॉप में ओपन कर रखा है, बट तुम इसको सेम अपने स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो डैशबोर्ड मोड को ऑन करके। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा इसको साइन अप कर लेना, इस पे अपना अकाउंट बना लेना। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं सिंपल सा आगे का प्रोसेस कर देता हूँ। तो नीचे के साइड तुमको अलर्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे गाइस तुम अपने अलर्ट बॉक्स का फुल कस्टमाइज कर सकते हो कि तुमको कैसा चाहिए। लाइक यहाँ पे तुमको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ डोनेशंस का मिल जाता है, सब्सक्राइबर्स मिल जाता है, मेंबर मिल जाता है, सुपर चैट। तो इन सभी को तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि तुमको सब्सक्राइबर पे कौन सा अलर्ट चाहिए, डोनेशन पे कौन सा अलर्ट चाहिए, मेंबर पे कौन सा अलर्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तुमको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड तुम अपने लिए काफी अच्छा अलर्ट बॉक्स बना सकते हो। एंड जैसे तुम्हारा कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सिंपल सा इसके यूआरएल को कॉपी कर लेना, और उसको कॉपी करने के लिए तुमको चले आना ऊपर की साइड। यहाँ पे तुमको मिल जाएगा क्लिक टू कॉपी यूआरएल, एंड साइड में तुमको मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना, तुम्हारा जो यूआरएल है वो कॉपी हो जाएगा। अब लिंक कॉपी करने के बाद तुमको दोबारा से प्लस पे चले जाना है, एंड यहाँ पे तुमको वेब का ऑप्शन मिलेगा, तो वेब पे क्लिक कर देना। अब जो तुमने लिंक यहाँ पे कॉपी किया था सिंपल सा इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये रहा अपना लिंक, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड नीचे के साइड यार तुम कुछ भी टाइटल दे सकते हो, जैसे मैं अलर्ट यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, ये ऑटोमेटिक वैसे उठा लेगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पे तुम अलर्ट मैसेज को अपने सेट कर सकते हो कि तुमको कहाँ पे रखना है, एंड इसके साइज को भी तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज का साइज इतना रख देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे सेंटर में ही रहने दूंगा। बस हमको कमिंग सून पेज ऐड करना है, एंड लाइव कैसे जाए, सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करें उसके बारे में बात करना है। बट उससे पहले यार मैं तुमको एक एडिशनल चीज बताता हूँ जो कि तुम अपने लाइव स्ट्रीम में यूज कर सकते हो, एंड वो काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। तो उसके लिए तुमको अगेन चले जाना है प्लस वाले आइकन पे, नीचे तुमको वी ट्यूबर करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करना। यहाँ पे तुमको काफी सारे इमेजेस मिलेंगे, तो इनमें से जो भी तुमको पसंद आ रहा है उसको डाउनलोड करो एंड उसको सेलेक्ट कर लो। मैं बॉय वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसको मैं राइट कॉर्नर पर रख दूंगा। अब गाइज मैं जैसे कुछ भी बोलूंगा इसका मुंह अपने आप हिलने वाला है, जैसे लगेगा कि ये एनिमेटेड खुद ही बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ भी बोलूंगा ये एनिमेशन करके दिखाएगा ये ऊपर नीचे हो रहा है, एंड इसके एनिमेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए चले जाना बैक, एंड नीचे की साइड हमको तीन ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन, कैमरा एंड वी ट्यूबर करके, तो उसके ऊपर चले जाना। अब गाइस यहाँ पे हमको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना,
एंड इसके नीचे कुछ हमको इमोशंस मिल जाएंगे लाइक स्माइल है, हैप्पी है, रोने वाला है एंड गुस्से वाला है। तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मैं हैप्पी वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद तुम चले जाना नीचे के साइड मोशन पे एंड यहाँ पे तुम अपना अकॉर्डिंग मोशन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम इन्फाइनाइट मिल जाएगा, रोटेट मिल जाएगा एंड और भी काफ़ी टाइप के एनिमेशन मिल जाएंगे, या फिर तुम इसके एनिमेशन को ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा इन्फाइनाइट वाला यूज़ कर लेता हूँ एंड अब तुम देख सकते हो इन्फाइनाइट वाला तुमको कैसा मिलने वाला है। तो हमारा 80% वर्क डन हो चुका है, अब हमको लाइव कैसे करना है इसके ऊपर बात करना है एंड सेकेंड हम कमिंग सून वाला पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइव कैसे करना है, जैसे कि टाइटल ऐड करना, डिस्क्रिप्शन ऐड करना, इन सब की बात करते हैं। तुमको अपने फोन को लैंडस्केप पे रख देना है जिससे कि ये लैंडस्केप को सिलेक्ट कर ले एंड नीचे तुमको यहाँ पे फिल्म रोल का ऑप्शन मिलेगा, फिर रेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे गाइज मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तुमको यार यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन का ऑप्शन मिलेगा तो उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फेसबुक, यूट्यूब एंड अदर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के ऑप्शन मिलेंगे जिस पे भी तुमको लाइव स्ट्रीम करना उसको सेलेक्ट करना, इसके साथ इसको लिंक करना। मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब को लिंक कर रखा है। अब जैसे तुम अपना लिंक कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे ऊपर इस तुमको टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम चीज़ रैंडम टाइप कर दिया तो इसको डन कर देते हैं। एंड अब तुमको थंबनेल ऐड करना है तो साइड में तुमको थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसके ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे मैंने अपना थंबनेल ऐड कर दिया। अब नीचे साइड तुमको तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सबसे पहले तुमको मिल जाएगा यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो तुमको अपने लाइव स्ट्रीम को प्राइवेट रखना है, अनलिस्टेड रखना है या फिर पब्लिक रखना है। वैसे तुम सिंपली पब्लिक ही रखोगे बट मैं टेस्ट करा रहा हूँ तो इसलिए मैं अनलिस्टेड करके यहाँ पे ओके कर दूंगा। एंड अब सेकंड ऑप्शन में हमको सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले तुमको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब रेजोल्यूशन पे यार हमको 720p मिल जाता है, 1080p भी मिल जाता है, डिफॉल्ट 720p सिलेक्ट रहेगा। एंड मैं तुमको रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारा लो डिवाइस है या फिर मीडियम डिवाइस है तो तुम 720p पे ही लाइव स्ट्रीम करना एंड अगर हाई डिवाइस पे भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो 1080p पे कर लेना। एंड सेकंड ऑप्शन पे तुमको मिल जाएगा वीडियो क्वालिटी जो कि तुम डिफॉल्ट पे ही रहने देना। एंड थर्ड ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिट रेट, तो इसके ऊपर तुमको डिफॉल्ट 2500 kbps सेट रहेगा बट अगर तुम्हारा इंटरनेट अच्छा है तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई 3500 से नीचे मत रखना। अगर तुम्हारा इंटरनेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो 2500 रहने देना बट अगर तुम्हारा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो 3500 पे कर देना या फिर उससे भी मैक्सिमम जा सकते हो तो उस पे कर देना। तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे अच्छा है तो मैं यहाँ पे 3500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट तुमको फ्रेम रेट मिल जाएगा जो कि डिफॉल्ट 30 fps पे सेट होगा तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि भाई 30 fps ही रहने देना या फिर 24 पे भी जा सकते हो तुम बट अगर तुम्हारा डिवाइस हाई है तब तुम 60 पे जा सकते हो एंड अगर लो है तो 24 पे चले जाना एंड मिड रेंज पे तो 30 या 24 दोनों में से किसी एक पे रख देना। तो मैं 24 fps ही कर देता हूँ। एंड लास्ट में तुमको की फ्रेम इंटरवल मिल जाएगा जो कि 2s पे सेलेक्ट होगा बट मैं तुमको रिकमेंड करूंगा 3s कर देना। ये तुम्हारे लाइव होने के एंड लाइव स्ट्रीम डिलीवर होने के बीच का गैप होता है तो ये तुम्हारे लाइव में 3 सेकंड का गैप रहेगा। तो ओके अब हमारी सारी सेटिंग हो चुका है तो अब सिंपल से हम लाइव हो जाते हैं। लाइव पे जैसे तुम क्लिक करोगे तुमको यहाँ पे एक पॉपअप मिल जाएगा जिस पे लिखा है क्या तुम अपनी लाइव स्ट्रीम को अपने डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर नहीं। तो मैं सिंपल से नो क्लिक कर दूंगा, अगर तुमको रिकॉर्ड करना है तो यस कर देना। एंड अब सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है क्या तुम अपनी स्क्रीन को मिरर करना चाहोगे, मतलब कास्ट करना चाहोगे अपने लाइव स्ट्रीम में, तो यस भाई हमको गेम खेलना है तो अपनी गेम को तो इसके अंदर कास्ट करना पड़ेगा। तो यार 3 सेकंड का टाइम लेगा, हमारा लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाएगा। अब नीचे की साइड है तुमको स्क्रीन सेवर करके ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑफ होगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसको ऑन कर देना। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा था कमिंग सून वाला पेज तो वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगी लाइक यार यहाँ पे स्टार्टिंग का ऑप्शन। तो जब भी तुम अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करोगे तुम इन स्टाइल का यूज़ कर सकते हो जिसमें तुमको स्टार्टिंग मिल जाता है, बी राइट बैक मिल जाता है, कमिंग बैक सून मिल जाएगा एंड यहाँ पे एंड लास्ट में तुमको थैंक यू फॉर वॉचिंग मिल जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सारा कुछ डन हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पे 15-20 सेकंड का एक लाइव क्लिप को ऐड कर दूंगा जिससे तुम यार अपनी लाइव स्ट्रीम की परफॉर्मेंस को देख पाओ कि कैसी परफॉर्मेंस तुमको अपने लाइव स्ट्रीम में मिलने वाला है। तो यार मैंने अपने स्मार्टफोन पर अराउंड आधे घंटे लाइव स्ट्रीम किया था, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिल गया एंड जो क्लिप तुमने देखा वो मैंने रेडमी नोट 10s पे लाइव जा करके शूट किया था जो कि एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन है। तो अगर तुम्हारे पास भी एक लो एंड डिवाइस है एंड तुम सेटिंग्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हो तो तुम भी एक स्मूथ एंड लैग फ्री लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड यार मैंने 2 महीने से ना प्रॉपर अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस को अपलोड नहीं किया, अराउंड यार 3 या 4 ही वीडियो अपलोड किया था, एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे बट यार अब अपनी सारी वीडियोस मैं टाइम पे अपलोड कर दूंगा, जो भी तुम टॉपिक को उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। एंड हियर अपना 2024 का सबसे पहला वीडियो, आई नो भाई 2024 कब का स्टार्ट हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया बट अब अपनी सारी वीडियोस एकदम टाइम पे आएंगी। तो फिलहाल के लिए एंड करते हैं इस वीडियो को, तुमको कोई भी प्रॉब्लम आता है तुम कमेंट कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय।